सूबे के कैबिनेट मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान अचानक दुकानदार बनकर बैठ गए और ग्राहकों को सामान भी बेचने लगे। यही नहीं, मंत्री जी की दुकान को देखकर विधायक भी खरीदारी करने आए और मंत्री जी की दुकान से सामान खरीदने लगे। मंत्री जी ने विधायकों को सामान भी बेचा और अपने सामान की खूबियां भी बताई। देखिए कैसे बने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एक कुशल दुकानदार और क्यों मंत्री जी को बनना पड़ा दुकानदार। देखिए गैरसैंण से योगेश शैली की कैबिनेट मंत्री की दुकान से खास बातचीत। कृषि एवं सैनिक कल्याण और ग्राम विकास मंत्रालय के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे गणेश जोशी जी से आज हम खास बातचीत करेंगे, जहां हम गैरसैंण राजधानी में आज हम लोग मौजूद हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो घरेलू उत्पाद है, पर्वतीय महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनको उचित बाजार मिल सके, मार्केट उपलब्ध हो सके, उसके लिए खास तौर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आज हमारे प्रदेश के अंदर 5 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अपने वोकल फॉर लोकल, जो अपने घरेलू उत्पाद हैं उनको बनाकर बेच रही हैं। आज हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हैं। अभी उधम सिंह नगर के एक कार्यक्रम में मैंने एक बहन से पूछा, उस टाइम मोदी सरकार को 8 साल हुए थे, मैंने कहा बेटा तुम्हें 8 साल में क्या अंतर नजर आया? वो अनपढ़ बहन थी, उसका नाम है कविता। वो बिस्किट्स बनाती है, बेकरी का काम करती है समूह के माध्यम से। उसने कहा कि जब हमें पहले पैसे की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, पिता की ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे, भाई की ओर देखते थे। आज समूह के माध्यम से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम 1 लाख से अधिक तक खर्च कर सकते हैं। और हमारी सरकार ने भी संकल्प लिया है, धामी सरकार ने, कि हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक 93,000 से अधिक लखपति दीदी हम बना चुके हैं। जिस प्रकार से हमारे विभाग और हमारी बहनें, हमारी बेटियां काम कर रही हैं, हम उस लक्ष्य से आगे निकलने वाले हैं। यहां पर भी हमारी समूह की बच्चियों ने स्टॉल लगाया है और मैं विभागीय मंत्री होने का यहाँ से निकल रहा था तो मैं इनके बीच में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से इनके उत्पाद हैं, जो इनकी क्वालिटी है बहुत अच्छी है और इसलिए लोग इसको खरीद रहे हैं। सर, क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन वास्तव में अगर जो मार्केट जिस तरीके से मिलनी चाहिए, आज जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में सोशल साइट्स के माध्यम से भी लोग अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूहों का जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए, उनके उत्पादों को जो शहरी क्षेत्रों तक पहुँचना चाहिए, उस तरीके से नहीं पहुँच पाता। देखिए, आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का, हाउस ऑफ हिमालय उसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी, वो धरातल पर आ गया है। कल ही मैंने विज्ञापन लेकर उसके सीओ की और जितने उत्तराखंड के उत्पाद होंगे वो हाउस ऑफ हिमालय एक अम्ब्रेला ब्रांड है, उस अम्ब्रेला के नीचे बेचे जाएंगे। और आज जो इतनी उसकी मांग हो रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर इनके सारे उत्पाद घर से ही उठ जाएंगे। यह काम हमारी सरकार कर रही है। सैनिक कल्याण के क्षेत्र में अगर बात करें तो सरकार क्या पहल करने जा रही है आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है और अभी 1 महीने के अंदर 9 से अधिक हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। और पहले जो शहीद होने पर एक मुश्त राशि दी जाती थी, मात्र 10 लाख रुपए थी, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ को उसको बढ़ाकर 50 लाख किया है और 10 लाख रुपया हमारी जो सैनिक संस्था उसके माध्यम से हम देते हैं। देखिए, किसी के जीवन की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इससे ये पता लगता है कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। अभी तक हम 26 लोगों को नौकरी दे चुके हैं
और 7 पाइपलाइन में हैं और अभी जो अन्य शहीद हुए हैं उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये हमारी सरकार का संकल्प है। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जिनसे हमने बात की, और जो खास तौर पर ग्राम विकास की यहाँ पर बात की गई है, जो स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है जहाँ खुद कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर उत्पादों की जो है बिक्री की है। और अभी आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री खुद अपनी विभागीय जो यहाँ पर स्टॉल लगी है उसमें बिक्री करा रहे हैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर, और आज वो खुद अपनी ही दुकान में ग्राहकों को लेकर के आए हैं और ग्राहकों से यहाँ पर सामान की बिक्री करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने, और जो ये उत्पाद है आप देख सकते हैं ये घरेलू उत्पाद हैं, चाहे वो झंगोरे की बात करें तो ये पहाड़ी उत्पाद है झंगोरा, जो काफ़ी पौष्टिक भी माना जाता है सेहत के लिए, और मंडवे का यहाँ पर आटा भी रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न तरीके के यहाँ पर अचार भी यहाँ पर रखे गए हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिक रूप से मंडवे का ये आटा रखा गया है, और खुद कैबिनेट मिनिस्टर इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे हैं, और जो ये स्टॉल लगी है विभाग की ओर से उसकी खुद ही यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर जो खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर शॉपिंग की और काफ़ी उत्पाद जो पहाड़ी उत्पाद है वो खरीदे, और उनसे ही बात करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको टेस्ट भी किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पहाड़ी उत्पाद है आपने टेस्ट भी किया और काफी अच्छी शॉपिंग भी की, खुद कैबिनेट मिनिस्टर अपने उत्पादों को यहाँ पर बेच रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उत्पादों के बारे में? पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो एक मिशन है उसमें वो सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बहनों का उनके साथ खड़े हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ, और स्वयं ग्राहक बुला बुला के जो है। तो देखिए ये कोई अगर हम देखें तो बहुत छोटी बात है कि किसी को बुला के मंत्री का कहना, लेकिन अगर देखें तो इससे जो उत्साहवर्धन हो रहा है महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, वो एक बड़ी बात है। तो मैं इसलिए माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ खड़े होकर जो भीड़ लगाई, लोगों को बुलाया, प्यार में बुलाया और उनको जो खरीद फरोख्त कराई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस तरीके से आप इनका हमेशा हौसला बढ़ाते रहें, और मैं उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, विधायक के तौर पर नहीं, तो वैसे भी हमारे बड़े भाई, और ये बहुत ही खुशी की बात है जिस तरह इन्होंने दूर दूर से आवाज़ लगा के लोगों का उत्साहवर्धन किया, सबको बुला बुला के खरीदारी कराई, तो इसके लिए माननीय मंत्री जी को श्रेय जाता है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि सभी मंत्रियों को इस तरीके की पहल करनी चाहिए, यहाँ से गुजरते हुए इनके पास रुके, अपने जान देखिए क्या है, मंत्री आके खड़ा होगा, 4-10 लोग आ जाएंगे, इससे इनका भी प्रचार प्रसार होगा, तो इस तरीके के काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद उमेश कुमार जी। तो जिस तरीके से उमेश जी ने भी बताया, उन्होंने जो शॉपिंग भी की और काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर शॉपिंग करवा रहे हैं, लेकिन इन जो उत्पाद हैं क्या 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 उत्पाद हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं उसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या क्या उत्पाद आप यहाँ पर बेच रहे हैं और जो उत्पाद हैं उनकी क्या विशेषताएँ हैं? सर ये हमारे सारे पहाड़ी उत्पाद हैं, अपने स्थानीय उत्पाद है गांवों से, और सारी इनकी विशेषता ये सारी ऑर्गेनिक है, जैविक खेती से ये चीज़ें तैयार की गई हैं, और इसकी शुद्धता और गुणवत्ता लग ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल पूर्णतः साफ और स्वच्छ रहती है। जैसे कोदा है, ये क्या किस चीज़ क्या फ़ायदा करता है? उसके अलावा जो अचार कितने तरीके का है आपके पास? सर अचार यहाँ लहसुन का है जो भी ऑर्गेनिक खेती से घर में ही तैयार किया गया है और घर में ही बनाया गया है, और लिंगुड़ा है जो कि प्रकृति की स्वयं देन होती है, गदेरों में हमारे गदेरों में पाया जाता है, तो वो अचार भी हमने स्वयं प्रकृति से लेकर आए हैं और यहाँ पर खुद हमारी बहनों ने उसको अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। तो जिस तरीके से अभी बताया कि जो उत्पाद हैं क्या विशेषताएं है उनकी हैं, किस किस तरीके के उत्पाद हैं, यानी कि ऑर्गेनिक हैं, किसी भी तरीके का कोई इसमें मिलावट नहीं होगी, यानी कि आपकी सेहत के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होगा, यानी कि आपको शुद्धता के साथ साथ पौष्टिक आहार यहाँ पर मिलेगा, जो उत्पाद यहाँ पर पर्वतीय महिलाओं द्वारा यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। कैमरामैन अंकित यादव के साथ योगेश शैली, TV24 गैरीसैंड।